Yes. When you are starting your chapter, then you have to mention date on the top of the page and must mention chapter number and chapter name. And this chapter you have to do in your biology notebook, crop production and management. So let us start this chapter. Food is one of the basic necessities of life for all organisms. Food gives us energy for carrying out all body functions such as digestion, respiration and excretion. We need food for growth, development and body repair. It also protects the body against disease. So food is one of the basic necessities of life. Students, you know, food, clothing and shelter are the basic necessities of life for all living organisms. Food and shelter. Food gives us energy. Food hame energy provide karta hai for carrying out all body functions ya all metabolic activities jaise ki digestion, respiration and excretion. Theek hai, these are called the metabolic activities. Inhe hum metabolic activities bhi bolte hain. We need food for growth. Jo food hai ye hame kyon chahiye? To grow, to develop, for our body repair. Jo cells hain, body cells hain, they repair from that and it also protect us from disease. Theek hai. Among all the organisms, only green plants make their own food. Jitne bhi organisms hain, unme green plants and some bacteria, they can prepare their food themselves. And animals depend on plants and other animals for their food. Jo animals hain, ye plants aur dusre animals pe depend karte hain apne food ke liye. We also get our food from plants and animals. Hume bhi apna food jo hai ye plants aur animals se. Hum bhi apna, hamare liye bhi jo sources hain food ke, they are plants and either animals. Till 10,000 BC, the nomadic people wandered from place to place in search of food and shelter. 10,000 BC तक जो people थे, जो nomadic people थे, they wandered. वो एक जगह से दूसरी जगह move करते थे food और shelter की place में. Basic necessities की को fulfill करने के लिए wander करते थे, एक जगह से दूसरी जगह move करते थे. They ate fruits and raw vegetables of forest plants. ठीक है, वो फ्रूट्स और वेजिटेबल प्लांट्स को क्या करते थे, ईट करते थे एंड एनिमल्स को हंट करते थे फॉर फूड. लेटर पीपल लर्न फार्मिंग एंड कल्टिवेटेड वीट, राइस एंड अदर फूड क्रॉप्स. लेटर ऑन जो पर्सन्स थे उन्होंने फार्मिंग और कल्टिवेशन की प्रैक्टिसेस को लर्न किया कि कैसे हम फार्मिंग कर सकते हैं, कैसे क्रॉप्स का कल्टीवेशन कर सकते हैं, वीट, राइस एंड अदर फूड क्रॉप्स को हम किस तरह से कल्टीवेट कर सकते हैं. दे ऑल्सो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स टू मीट देयर फूड रिक्वायरमेंट्स. और उन्होंने डोमेस्टिकेट भी करना स्टार्ट किया एनिमल्स को अपने फूड रिक्वायरमेंट्स को कम्प्लीट करने के लिए. एंड डिड हार्ड फिजिकल वर्क, और फिजिकल वर्क ये हार्ड करते थे. दिस मार्क्ड अ न्यू एरा इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमंस. और ये एक नए जनरेशन की, नए एरा की शुरुआत थी. फ्रॉम फूड गैदरर्स टू फूड प्रोड्यूसर्स. तो पहले जो फूड गैदर करते थे नोमैडिक पीपल, इन्होंने फूड कल्टीवेट करना स्टार्ट किया एंड दे बिकम फूड प्रोड्यूसर्स. ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर इज एन अप्लाइड साइंस. ये एक अप्लाइड साइंस है, इसे हम अप्लाई करते हैं. दैट डील्स विद द मास प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप, प्लांट्स एंड एनिमल्स यूजफुल टू ह्यूमन बींग्स. एग्रीकल्चर एक अप्लाइड साइंस है. दैट मीन्स ये साइंस हम अप्लाई करते हैं और ये डील करता है किसमें? मास प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप प्लांट्स, क्रॉप प्लांट्स के मास प्रोडक्शन से एंड एनिमल्स कि एनिमल्स से जो हम ऑब्टेन कर सकते हैं चीज़ें, ठीक है, सच एज मिल्क, हनी, एग्स, मीट, वट एवर. ठीक है, तो इन इसके मास प्रोडक्ट, इसको हम मास प्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं, ठीक है, कैसे हम इसको बढ़ा सकते हैं, विच इज़ यूजफुल टू ह्यूमन बींग्स, जो हमारे लिए यूजफुल है क्रॉप प्लांट्स में या एनिमल्स से जो भी हम ऑब्टेन करते हैं उसके मास प्रोडक्शन के रिगार्डिंग डील करता है एग्रीकल्चर. ठीक है, बिसाइड्स क्रॉप प्रोडक्शन सेवरल अदर रिलेटेड एक्टिविटीज लाइक पोल्ट्री, फिशिंग एंड सेरीकल्चर कम
विद द स्कोप ऑफ एग्रीकल्चर. इसके साथ साथ पोल्ट्री, फिशिंग, सेरीकल्चर, ये सब भी एग्रीकल्चर के स्कोप में ही आता है. द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज इंक्रीजिंग रैपिडली. जो इंडिया की पॉपुलेशन है, इट इज इंक्रीजिंग रैपिडली. टू फुलफिल द फूड रिक्वायरमेंट्स ऑफ सच अ लार्ज पॉपुलेशन, इंक्रीज्ड पॉपुलेशन, प्रॉपर मैनेजमेंट जो है या डिस्ट्रीब्यूशन जो है फूड का, वो नेसेसरी है. ठीक है, तो पॉपुलेशन की जो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है, इसकी फूड रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए जो फूड है उसका प्रोडक्शन ज़्यादा होना चाहिए और उसका प्रॉपर मैनेजमेंट भी होना चाहिए. ठीक है, तो इसी चीज़ को हम स्टडी करते हैं एग्रीकल्चर में. दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स. थैंक यू वेरी मच. हैव अ गुड डे.